कितना टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, रिंकू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे ओर से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कीजिए ताकि मेरे नए नए रेसिपी आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं रेसिपी के ओर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन दम बिरयानी बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चिकन दम बिरयानी बनाने के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जो चिकन को मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए रख देना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन को मैंने आधा किलो मैंने चिकन लिए हैं, चिकन के पीसेस को मैं ऐसे करके काट लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके, और ऐसे करके प्याज काट लिया है जो प्याज को मैंने फ्राई डीप फ्राई करूँगी। तो पहले इसको मैरिनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर दे रहे हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर दे रहे हैं और इसमें नमक दे रहे हैं स्वाद अनुसार, और इसमें दे रहे हैं हम कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें मिला रहे हैं फ्रेंड्स बिरयानी मसाला, और इसमें हम दे रहे हैं एक चम्मच विनेगर, और इसमें हम दे रहे हैं कुकिंग ऑयल। इसको मैं अभी अच्छी तरह से मैरिनेट करके आधा घंटे ताकि मसाला जो है चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए, इसीलिए मैं आधा घंटे के लिए इसको मिला के रख दूंगी। अभी मैं इसको ढक के आधा घंटे रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें तेल डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, इस प्याज को मैं डीप फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 अंडा जो बॉईल करके हम रख दिए, ये अभी मेरा नहीं लगेगा, जब बिरयानी बनाएंगे तब लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि बिरयानी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, और अगर आप इसको जला देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा बिरयानी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को जो मैं 7-8 मिनट तक फ्राई किए हैं, अभी देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो फ्राई हो चुका है इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज जो ऐसे करके पूरा रेड कर फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यही तेल में हम आलू को जो फ्राई कर लेते हैं, पहले आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। आलू फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल ले रहे हैं। अभी ऐसे करके प्याज छोटे टुकड़ों में कट के रखे थे उसको हम डाल दे रहे हैं। एक टमाटर मैंने काट के रखे थे उसको हम डाल दे रहे हैं। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसमें दे रहे हैं फ्रेंड्स अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, देखने से ही नहीं होगा, वीडियो को लाइक भी करना होगा, तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो मेरा वो भी फ्राई हो चुका है, चिकन को जो मैं आधा घंटे पहले से रखी थी उसको हम अभी मिला दूंगी इसमें। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आलू को जो फ्राई करके रखी थी उसको हम डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी 5 मिनट तक इसको ढक के रख देती हूँ चिकन जो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, अभी इसको ढक्कन हटा के मैं चेक कर लेती हूँ चिकन बॉईल हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स चिकन अच्छी तरह से बॉईल नहीं हुआ है, और भी 5 मिनट तक ढक के इसको रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, इसको ढक्कन खोल के मैं फिर एक बार चेक कर लेती हूँ चिकन। देखिए फ्रेंड्स चिकन बन के तैयार है, अभी मैं इसमें ऊपर से धनिया पत्ता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप जो मेरा कॉम्प्लीट हो गया है, सेकेंड स्टेप मेरा राइस को बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स चिकन बनके तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है। सो फ्रेंड्स पानी गर्म हो चुका है, इसमें मैं अभी डाल रही हूँ जीरा। चार पांच इलायची, दालचीनी, स्टार और स्वाद अनुसार फ्रेंड्स नमक भी इसमें मिला दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स एक चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला दे रही हूँ और फिर ढक्कन थोड़ा दे देती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये है बिरयानी चावल, इसको मैंने आधा घंटे पहले से भिगो के रखे थे, इसको अभी इसमें हम डाल दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसको हम 10 मिनट तक ढक के रख देते हैं और 90% फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स चावल जो 90% कुक हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो पानी है आधा कप मैं रख देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए सभी चावल का जो लेयर हम कर लिए हैं, अभी इसमें चिकन भी डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर से फिर से हम चावल डाल दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके सब हम लेयर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स प्याज को जो मैंने फ्राई करके रखे थे उसको ऊपर से हम डाल दे रहे हैं। एक चम्मच क्यारो वाटर लिए है, उसमें हम फ्रूट कलर मिक्स किए हैं। अंडा को जो मैं बॉईल कर रखी थी उसको हम डाल दे रहे हैं। चावल का जो पानी हम फ्रेंड निकाले थे उसको हम मिला दे रहे हैं। अभी ढक्कन बंद करके आटा से इसे मुंह पूरा बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए आटा से ऐसे करके पूरा मुंह बंद कर देना है और लो फ्लेम में 15 मिनट तक इसको कुक। तो फ्रेंड्स 15 मिनट तक हमने कुक कर लिए थे, 15 मिनट के बाद गैस बंद करके 5 मिनट ऐसे रख दिए, अभी इसको खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको खोल लेते हैं। बिरयानी बनके तैयार हो चुका है, अभी मैं सर्व कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कीजिएगा।